हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे बनाना इतना आसान है कि आप जब चाहें इसे बना सकते हैं और सभी को खिला सकते हैं। चाहे आपके यहाँ मेहमान आ जाएं या बच्चों को टिफ़िन में देना हो, आप बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं और सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 4 बॉयल आलू लिया है, इसे मैश कर लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे इसे, और भुना हुआ कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच। इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, 2 लाल मिर्च, इसे बारीक काट लिया है मैंने, 2 प्याज है, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, आधा चम्मच जीरा डालेंगे और आधा चम्मच हम डालेंगे अमचूर का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, आप इसके जगह पर मैदा भी डाल सकते हैं। इसमें लास्ट में हम डालेंगे इसमें आधा कप कद्दूकस किया हुआ पनीर। अब क्या करेंगे कि इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए, डो हमारा रेडी है। तो इस तरह से डो इसका बना लेना है फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छे से ये डो बन गया है। अब एक लोई तोड़कर देखते हैं बाइंड हो रहा है कि नहीं, और इसे एक टिकिया का शेप देंगे इस तरह से। तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं यहाँ पे टिकिया बना रही हूँ, तो इन सभी का टिकिया बना लेना है हमें। और उसके बाद ये चावल का आटा है, इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो सभी टिकिया को इसी तरह से कोट कर लेना है और 2 मिनट तक इसी तरह से इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा टिकिया बन गया है और ये अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने पहले ही पैन गर्म होने के लिए रखा था, जिसमें मैं 4 चम्मच ऑयल डाली हूँ। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब टिकिया को इस तरह से डालना है एक एक करके, और 2 मिनट तक इसे वेट करेंगे और लो फ्लेम पर इसे हल्का सा क्रंची होने देंगे एक तरफ से। उसके बाद एक एक करके इस तरह से पलट लेंगे, उलट पलट कर दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से क्रंची कर लेना है। उसके बाद एक प्लेट में इसे निकाल देंगे। तो सभी टिकिया को प्लेट में निकाल लेंगे और जो बचा है उसे भी इसी तरह से तल लेना है फ्रेंड्स। तो आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, यह बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।